नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय भीम, जय भारत। कैसे हैं दोस्तों? तो चलो देखते हैं दिसंबर 2023 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आएगी, अच्छा लगेगा क्लास में। तो बिना देर करते हुए चलते हैं और शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पीडीएफ खोलना थोड़ा सा समय ले, ये लो, ये है आपके 23 दिसंबर के, ठीक है, 23 दिसंबर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोग ने यहाँ पर 23 ऑफ दिसंबर, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर, 21 दिसंबर, 20 दिसंबर या सभी के लिए? तो कब मनाया गया था? 22 दिसंबर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में 300 मिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या सभी में? तो 300 मिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी कहां पर दी है? तमिलनाडु में। तो इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? गल्फ ऑफ मनार, गल्फ ऑफ ओडेन, गल्फ ऑफ ओमान। तो कहां पर की है या सभी में? तो इन्होंने की है गल्फ ऑफ ओडेन में। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? नितिन पांडे, पुष्पा भारती, सुकृता पाल या कोई भी नहीं? तो किसने जीता है बताएगा? तो ये जीता है सुकृता पाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी लेड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र या कोई भी नहीं? तो कौन शीर्ष पर रहा बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। हाल ही में जारी इंडियन स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा बना? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या छत्तीसगढ़? कौन सा राज्य बना बताएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो इसका सही आंसर बताएगा केरल। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि दिसंबर 2023 और नवंबर 2023, इन दोनों के अपने पास क्या करंट अफेयर्स के पीडीएफ अवेलेबल हैं अगर आपको चाहिए तो। एक माह का मात्र 30 रुपये है, जिसके अंदर आपको करीबन 400 से 500 एमसीक्यूज मिलते हैं पूरे महीने की, जो है डेली के 15 क्वेश्चंस आपको ऐसे कैसे मिलेंगे विथ आंसर की। तो आप अगर आपको किसी को चाहिए तो आज 25 हो गई, 31 दिसंबर तक आप दिसंबर का ले सकते हैं, और नवंबर का लेना चाहें तो आज ही आप मुझे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके मुझसे ये पीडीएफ ले सकते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? केरल। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिली है? बेंगलुरु एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट या कोई भी नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन। हाल ही में रसायनों पर PGGS 2024 प्री सबमिट सेमिनार कहाँ आयोजित किया जाएगा? हाल ही में रसायनों पर VGGS 2024 प्री सबमिट सेमिनार कहाँ आयोजित किया जाएगा? गुजरात, ओडिशा, हरियाणा या सभी पर, सभी जगह पर? तो कहाँ पर होगा ये बताएगा? तो ये होगा ओडिशा में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। माफी चाहूँगा, गुजरात हो जाएगा, सॉरी, इसके लिए इसको ठीक करिएगा, गुजरात इसका पहला ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में, एक बार फिर से देख लीजिएगा, हाल ही में रसायनों पर VGGS 2024 प्री सबमिट सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में किया गया है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 तक के छात्रों को टैब वितरण शुरू किया है? पंजाब, ओडिशा, केरल या आंध्र प्रदेश? तो कहाँ पर किया गया है बताएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
हाल ही में 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? इटली, फ्रांस, रूस या जापान? किस देश के जो है राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है गणतंत्र दिवस, जो कि 26 जनवरी आती है हमारी, हाल ही में 2024 में जो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करेंगे, उसके अंदर कौन से देश के राष्ट्रपति को जो है आमंत्रित किया है? इटली, फ्रांस, रूस या जापान? तो किसको किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस के राष्ट्रपति को। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? अमेजन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट या सभी को? हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? बताएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। तो किसके साथ किया है? जियो मार्ट के साथ। इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। हाल ही में यूनेस्को ने कहाँ के रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? हाल ही में यूनेस्को ने कहाँ के रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया? वाराणसी, अमृतसर, जयपुर या कोई भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतसर। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित FIH पुरस्कार जीते हैं? सविता पूनिया, हार्दिक सिंह, ए और बी दोनों या कोई भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों। हाल ही में किसने 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया? स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, अर्जुन मुंडा या कोई भी नहीं? किन्होंने किया है? तो ये कार्यक्रम, इसका उद्घाटन किया है अर्जुन मुंडा ने। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला और अंतिम प्रश्न। हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चों को पोषण का सामना करना पड़ रहा है? श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या सभी देशों में? तो कहाँ के बच्चों को जो है पोषण का शिकार होना पड़ रहा है या पोषण का सामना करना पड़ रहा है? WHO की रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से अधिक बच्चों को, तो कहाँ का है? अफगानिस्तान, सॉरी। इसका तीसरा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 23 दिसंबर 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आपके लिए एक छोटी सी जानकारी कि जनरल पेपर की भी तैयारी हमारे यहाँ पर फ्री होती है रात को 9:15 पर, यानी 9:15। तो आप ये क्लास भी फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आज ही अभी आप चैनल पर विजिट करें, और टेलीग्राम चैनल भी इसका बना हुआ है, तो प्ले आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका पिन मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर पहल कंपटीशन क्लासेज टेलीग्राम पर सर्च करिए, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। और उसके साथ ही आपको बता दूं कि इनकी जो है रिकॉर्डेड क्लासेज भी आपको मिल जाएंगी। और नवंबर और दिसंबर के अगर आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप ले सकते हैं। 30 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप उनसे परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 450 से ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो और उम्मीद करता हूँ और कामना करता हूँ कि आज का दिन आपका बहुत मंगलमय हो, सुंदर हो, और आज आपको खूब सारी खुशियाँ मिले। इसी दुआओं के साथ और शुभकामनाओं के साथ यहीं पर आज की वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं फिर कल इसके अगला वीडियो लेके। तब तक धन्यवाद सभी को। बाय बाय।